Assalamu alaikum viewers and welcome to a Brass Tack special. I don't need to tell you what Brass Tack is all about, but aap yakeenan hamare pichle programs dekhte aaye honge. Hamare jo defense analyst hain aur Zaid Hamid sahab jo ke aaj hamare saath maujood hain yahan, and what we are going to talk about today, what Zaid sahab is going to talk about today is basically a continuation of our program which was shown a week earlier. So, pehle main darkhwast karti hu aapse, Zaid sahab, thank you so much for joining us today. Aur aapki baatein jo hain wo mashallah, they have a very in-depth analysis of the entire geopolitical situation in Pakistan. And not only that, aapke pichle talk mein aapne ek spiritual angle se and the role of spiritual forces in the geopolitical situation which Pakistan faces today, us sawale se aapne kafi guftagu ki thi. So if you can you know, tell us basically before we put questions to you, we have a very varied group of people in our program today who are all very well knowledgeable, and they have of course they all must have their own viewpoints. So it will be we can start the question and answering system after aap agar hame pehle apne bataye ki aaj what angle you're going to be looking at things from. Thank you Rosia. Dekhiye aaj jis tarah aapne bataya ki hamare ye pichle program se pavasta ye program hai, humne pichle program mein jis mauzu ka intekhab kiya tha wo ek gair mamooli mauzu tha, isme koi shubha nahi hai. Yani Pakistan mein इससे पहले इस मौजू पर इस अंदाज से बात नहीं की गई, और हमने जान के यानी हमने ये बात, हमें मालूम है कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक रख रहे हैं इस मौजू पे बात कर. लोग अक्सर घबराते हैं, लोग इस पे घबराते भी हैं और शक की निगाह से भी देखेंगे. टू बी ऑनेस्ट कुछ लोगों ने हमें, कुछ लोग हमें इनसेन भी कहेंगे, पीपल विल से कि शायद ये दीवाने हैं कि इस मौजू का इंतखाब इन्होंने क्यों किया. मगर द फैक्ट इज कि जैसे हमने बात आपसे कही थी कि हमने अपनी तमाम तर आर्गुमेंट्स की बुनियाद कुरान सुन्नत और उस कंफर्म मुस्लिम हिस्ट्री पर रखी थी कि जिसका डिनाइल पॉसिबल नहीं है. ठीक है, उसकी आर्गुमेंट्स बुनियाद जो उनकी थी, ये मिसालें हमें तवातुर के साथ सहाबा कराम में भी मिलती हैं. हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत मशहूर वाकया है वो कि मदीने में आप खुतबा देते हुए आपने फरमाया या सारिया तोल जबल, यानी सारिया पहाड़ के पीछे देखो, यानी पर्शिया में मुसलमान आर्मीज लड़ रही थी और वहां पर उनको खबर मिलती, उनको आवाज सुनाई देती है कि पहाड़ के पीछे देखो, मदीने में खुतबा दे रहे हैं और मैसेज वहां जा रहा है, आवाज दे रहे हैं, बिकॉज ही वॉज वॉचिंग लाइव बाय सेटेलाइट और लाइव बाय व्हाटएवर मींस. उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे थे उस मामले को, और वहां पे मुसलमान कमांडर को खबर मिलती है कि पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज आ रही है. एक इवेंट है. हजरत उमर का दूसरा बड़ा वाकया मशहूर है कि जब मिस्र को आपने, दरिया को आपने, दरिया नील को आपने खत लिखा और दरिया नील में डाल दिया क्योंकि सैलाब आया करता था वहां पर, आपके खत लिखने से सैलाब आने बंद हो गए. ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री के वाक्य. फिर वो पर्शिया में जो बहुत मशहूर अगेन रिकॉर्डेड वाकया है कि जब पर्शियन आर्मी शिकस्त खा के दरिया के परली तरफ थी और मुसलमान फौज इस तरफ थी और बीच में दरिया तूफानी था और मुमकिन नहीं था इस बात का कि मुसलमान आर्मी दरिया क्रॉस कर सकती, तो उस पर मुसलमान फौजों ने अपने तमाम घोड़े दरियाओं में डाल दिए, और जिस पर पर्शियंस हिस्टोरिक अल्फाज हैं कि ये कहते हुए भाग गए वहां से कि देवा आमदन, देवा आमदन, देव आ गए और देव आ गए. ये तारीख में ये अल्फाज रिकॉर्ड किए हुए हैं. और इस पर लामा इकबाल का वो खूबसूरत शेर है कि दश्त दश्त भी ना छोड़े हमने बहरे जुल्मात में, दरिया भी ना छोड़े हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने. इकबाल हैज रेफर्ड टू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड इवेंट. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि अब इसी तरह बहुत सारी प्रिडिक्शंस, बहुत सारी प्रोफेसीज उनके पास भी हैं. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में पैदाइश, मदीने में तशरीफ लाने से पहले मदीने के यहूदियों को मालूम था कि रिकॉर्ड ऑन हिस्ट्री मौजूद है कि दे वर एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट टू कम. फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तलाफ क्यों किया? इसी दे एग्रीड विद द मैन. उनको यह तो पता था कि एक नबी ने आना है. दे एग्रीड विद द मिशन, इफ आई से, कि उनको यह मालूम था कि नबूवत का सिलसिला चल रहा है और एक प्रोफेसी, एक नबी ने आना है. बट दे डिसएग्रीड विद द मैन. साहब उन्होंने कहा ये हम में पैदा होना था, यहूदियों में होना था, ये कुरैश में क्यों पैदा हो गए? खबर उनके पास भी थी, इन्फॉर्मेशन उनके पास भी थी कि एक इंसान ने आना, और उन्होंने, जबकि कुरान कहता है कि ये हुजूर को इस तरह पहचानते थे जिस तरह अपने बच्चों को पहचानते हैं. कुरान के अल्फाज हैं दोबारा. सो द क्वेश्चन इज, आइए अब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा. जिस तरह मुसलमान आज हम बात कर रहे हैं कि हुजूर की अहादीस के ऊपर 900 साल और आज तक मुसलमान अपनी जियो स्ट्रैटेजी पॉलिसीज बिल्ड कर सकते हैं, तो क्वेश्चन इज कि क्या आज जो जायनिस्ट आइडियोलॉजी है क्या वो भी सिर्फ फिजिकल इवेंट्स पे अपनी जियो स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रही है या उसके पास भी कोई स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रही है जिस तरह फिरौन पहले इस्तेमाल करता आया था?
देखिए आज जो न्यूकॉन आइडियोलॉजी है, न्यूकॉन कंजर्वेटिव इवेंजेलिकल क्रिश्चियन जायनस जिनको हम कहते हैं, ये एक बहुत हार्ड कोर क्रिश्चियन आइडियोलॉजी है जिसकी बुनियाद अपनी पेशेंगोइयों पे है। ये जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है जिसके नतीजे में ये पूरी दुनिया में सब फसाद बर्पा किए हुए हैं, पूरी दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स तब्दील हो रही है, इसकी बुनियाद पेशेंगोइयों पे है, इसकी बुनियाद उन खबरों पे है जो इनके जादूगरों और कहानों ने उनको इसी तरह दिए हुए हैं जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले फिरौन को इसके कहानों और जादूगरों ने खबरें दी हुई थी। इसीलिए ये ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट आप देखें तो ये मदीने की रियासत तक आते हैं, ये मदीना वापस आना चाहते हैं। सिंपली इनको ये मालूम है कि नबी ने मदीने में होना था, एंड दैट इज वाई द बॉर्डर्स ऑफ ग्रेटर इसराइल मदीने की रियासत तक पहुंच रहे हैं। ये अभी तक उस नबी के आने का इंतजार कर रहे हैं जो 1400 साल पहले आ चुके हैं। लेकिन इनको और इनको जो इस वक्त जो जॉर्ज बुश की आइडियोलॉजी है वो ये है, अगर आप इनकी एक्चुअल बिलीफ सिस्टम उठा के देखिए, वो ये है कि ग्रेटर इसराइल जब कायम होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो एंटी क्राइस्ट को कत्ल करेंगे और उसके बाद पूरी दुनिया में ईसाइयत फैलेगी। उनका बिलीफ सिस्टम है ये उनकी रिवायतें, उनकी तारीख, उनके जादूगरों ने या उनकी किताबों में जो बातें उन लोगों को लिखी हुई है। सो दे आर एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल एजेंडा, यानी एक नेगेटिव ईवल सही, लेकिन वो अगेन उनकी जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसपे इस वक्त अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बिल्ड कर रही है, वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और ज़ायनिस्ट और इसराइली फॉरेन पॉलिसी इज बिल्ड ऑन स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे है वो लोग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जिस तरह दुनिया में आपको एलिमेंट्स आपस में क्लैश करते नजर आ रहे हैं, इस तरह आइडियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल प्लेन पे भी ये प्रोफेसिस वर्सेस प्रोफेसिस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वर्सेस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल मोटिवेशन वर्सेस स्पिरिचुअल मोटिवेशन, और डायरेक्ट स्पिरिचुअल इंटरवेंशन मुसलमानों की तरफ से जो कि अल्लाह की फोर्सेस होती हैं, और नेगेटिव फोर्सेस जो इंटरवीन करती हैं, ये उस लेवल पर भी कॉन्फ्लिक्ट जारी है, हमेशा से होता आया, कुरान ने जिक्र किया है, आज भी इसके एलिमेंट्स और प्लेयर्स मौजूद हैं। नाउ दिस इज द रीजन गांधी फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी हिंदू स्पेशलाइज करते हैं इस किस्म की साइंसेज में जो नेगेटिव हैं, चाहे वो जादू हो, चाहे वो जन्मपत्री बनाना हो, चाहे वो हिसाब किताब करना हो, चाहे प्रिडिक्शंस करनी हो, चाहे वो कोई काम नहीं करते जब तक वो किसी काहिन से या पादरी से किसी से पूछ ना लें कि हमने हमारा ये हालात वाकयात मौसम वक्त घड़ी ठीक है कि नहीं ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट वो साइंस है, वो नॉलेज एग्जिस्ट करती है, लेकिन मुसलमान उस पर इतबार नहीं करते क्योंकि हमारा तवक्कुल अल्लाह से डिस्टर्ब होता। महात्मा गांधी ने प्रिडिक्शन की पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान बन गया है, अब हमारी चार जंगें इसके साथ होंगी और हर जंग पिछली जंग से खूनरेज होगी और जो चौथी जंग है वो फैसला कौन होगी। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट वी आर सेइंग कि हमारी कश्मीर की जंग भी हो चुकी है, 65 की भी हो चुकी है, 71 की भी हो चुकी है, और एक चौथी फाइनल शोडाउन ड्यू है अभी उनके साथ जिसके अंदर हमारा फैसला होगा। नॉस्ट्रेडेमस, उसको जो मर्जी लोग कहें, लेकिन नॉस्ट्रेडेमस भी एक ईवल सोर्सेज से, एक नेगेटिव सोर्सेज से उसको खबरें मिलती थी, वो मुसलमान उस पर एतबार नहीं करते, कुछ बातें सही कुछ बातें झूठ, दैट्स हाउ इट हैपेंस। लेकिन उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन भी की है, उसने एक ऐसी आर्मी का जिक्र किया है जो तीन शेरों वाला निशान उसका होगा और वो बहुत बुरी तरह तबाह की जाएगी। सो व्हाट वी शुड रियलाइज इज कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ स्पिरिचुअल, यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है ये, जिसको मुसलमानों ने 1400 साल में, जो खास हमने सिर्फ उस हदीस पे और उस सोर्सेज पे एतबार किया जो हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलती है। कुफार हर सोर्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ईवल हो या नेगेटिव हो या जो मर्जी, जिस मर्जी सोर्स से उनके पास नॉलेज सोर्स आ रहा हो, लेकिन ये फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। पैरानॉर्मल, पैरासाइकोलॉजी, सुपरनेचुरल फोर्सेस, मेटाफिजिकल साइंसेज, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में इस पे काम हो रहा है आज। ये डोमिनेंट साइंसेज हैं, रिकग्नाइज साइंसेज हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हैं, टेलीपैथीज हैं, क्लेरोवॉयंस हैं, क्लेरो ऑडियंस हैं, इस पे काम किया जा रहा है। अभी इंसान का इंटेलेक्ट उस मकाम पर नहीं पहुंचा है कि आम इंसानों का कि उस मकाम पर पहुंच के इन सोर्सेज और इन फोर्सेस को समझ सकें, लेकिन इसकी रियलिटी से इनकार मुमकिन नहीं है। चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इंसान तो भी अपने आप को नहीं समझ पाया कि रूह क्या है और अनफुस क्या है, कल्प क्या है, वो तो जिस्म की हद तक भी नहीं फंसा हुआ अभी तक। सो व्हाट वी आर सेइंग इज, हम सिर्फ इस बात पर अपनी इस वक्त की गुफ्तगू कंक्लूड करेंगे, फिर सवाल लेंगे आपके इंशाल्लाह, कि हम जाती तौर पर यह देखते हैं कि गजवा हिंद की हदीस पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बिशारत है, हमें इसको उसी तरह लेना चाहिए जिस तरह कुस्तुनतुनिया की हदीस को मुसलमानों ने 900 साल लिया और अपनी जंगी हिकमत अमली उसके मुताबिक मुरतब की। ये पाकिस्तानी कौम के लिए सआदत है। अगर हम इस काम को नहीं करेंगे, देखिए ये ओपन एंडेड हदीस है, ये काम अगली नस्लों को दे दिया जाएगा, होना तो है। और वो लोग, इसमें एक और इशारा भी है, वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज को तबाह करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर खुदकुश हमले हैं, पाकिस्तानी रियासत को तबाह करने की कोशिश की जा रही है इस्लाम के नाम पर, वो भी जरा गौर करें इस बात पर कि वो किसका काम कर रहे हैं, वो ज़ायनिस्ट और हिंदुओं और काफरों का काम कर रहे हैं या पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल की इस हदीस को पूरा कर रहे हैं। दे शुड बी केयरफुल, अगर वो इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो ये खुराफात बंद करें जो मुल्क के अंदर वो कर रहे हैं।
ये सुसाइड बॉम्बिंग, ये इनकी एक डेवियंट आइडियोलॉजी है, गुमराह अकीदा है उनका, कि वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और रियासत को तबाह करके वो इस्लाम की कोई खिदमत करेंगे। इस हदीस के मुताबिक फिर इसराइल की तरफ पाक फौज ने जाना है, पाकिस्तानी कौम ने जाना है, ये सआदत हमारी है और इस कौम को इस पर मुत्तहिद होना है। इंटेलेक्चुअली भी हम इस आर्गुमेंट को प्रूव कर चुके हैं और अब अल्लाह के फजल से हदीस शरीफ ने भी हमारी इस बात को तकवीत दी है।